हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रणाली एंड वेलकम टू बरूस किचन। और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पकौड़े, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाने वाली हूँ और ये इवनिंग स्नैक्स के लिए बेस्ट आइटम है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और मेरे रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिए। आलू के पकौड़े बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली आलू तो लगेगा ही, तो हमें यहाँ पे 6 से 7 मीडियम साइज के आलू ले लेना है, जिसे हमें पहले ही छील के रख लिया है। और अब हमें 3 मीडियम साइज के प्याज भी ले लेना है और उसके बाद हम आलू को कुछ इसी तरह से पतले पतले आकार में कट कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही पतले काटने हैं ये आलू, कुछ इसी तरह से जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। इसी तरह से हम सारे आलू को काट लेंगे और उसके बाद हमें प्याज को भी बारीक कट करना है, तो कुछ इसी तरह से लंबे आकार में हम प्याज को भी कट कर लेंगे। और अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। मैं आलू पकौड़ा बनाने का बैटर तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू और प्याज ले ली हूँ, मिर्च भी कट करके डाल दी हूँ बारीक कटा हुआ, और उसके साथ ही साथ अदरक और लहसुन बारीक कट करके रख ली हूँ और धनिया पत्ता, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे, इसमें 1 चुटकी जीरा इनफ होगा। और थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून अजवाइन ले लीजिए, और साथ ही साथ 1 टीस्पून हल्दी भी ऐड करेंगे और नमक स्वाद अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन मिक्स करने से पहले हमें चाहिए बेसन। हमें यहाँ 1 कप बेसन ऐड करना है और 1/2 कप चावल का आटा ऐड करेंगे, क्योंकि चावल के आटे से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो ये एक ट्रिक है कि आप चावल का आटा ज़रूर ऐड करें, उसके वजह से आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का हल्का पानी लेना है और कुछ इसी तरह से बैटर बना लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। और अब हमने तेल पहले ही पैन में गर्म कर लिया था और अब हम पकौड़े बनाने के लिए पकौड़ों को पैन में डाल देंगे और उसे डीप फ्राई करना है हमें। तो मीडियम हाई रखें फ्लेम को और 6 से 7 पकौड़े एक साथ आप तल सकते हैं, आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी तल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा पकौड़े एक साथ तलेंगे तो सारे पकौड़े सट जाएंगे और अच्छे से तलेंगे नहीं और अच्छे से पकेंगे नहीं। तो अब हम इसे दूसरे साइड से पलट देते हैं और दोनों साइड में अच्छे से पका लेते हैं हम पकौड़ों को। आलू एक ऐसा वेजिटेबल है जिसका आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ बन सकते हैं आलू से। तो आपने प्याज के पकौड़े तो खाए ही होंगे, तो आलू के भी पकौड़े बना के देखिए, बहुत ही क्रिस्पी होता है और बहुत टेस्टी होता है। आप इसे इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं, चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ। पकौड़ों को हल्के हाथों से पलटते रहिए और ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा जले ना, मीडियम हाई फ्लेम में पकौड़े तलने हैं और क्रिस्पी तलने हैं। तो कुछ इसी तरह से हम सारे पकौड़ों को तल लेंगे और यहाँ पे हमारे पकौड़े तल के तैयार हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, ये परफेक्टली बन गया है, और निकाल के हम इसे सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बन गया ना आलू का टेस्टी पकौड़ा, वो भी बिल्कुल 10 मिनट में। और इसे हम सर्व करेंगे हरी धनिए की चटपटी चटनी के साथ। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, ढेर सारे वीडियोस देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड।